सिर्फ 8 आईटीएस के नाम आए हैं जिन्होंने स्किट कंपटीशन में भाग लेना है, और यदि और है सर सुनी सुनी इससे बाहर है, सुनी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, सुनी गवर्नमेंट आईटी और प्रगति नगर, प्रगति नगर भी अपनी कंफर्मेशन दे दे। रामपुर वर्सेस वुमेन आईटीआई शिमला के मध्य ये खो खो का मैच शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण यहाँ पर मेहता प्रैक्टिकल स्टडीज के माध्यम से हम इसको सारे टूर्नामेंट का कवर यहाँ पर कर रहे हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी से लेकर। तो आप भी कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और माइनस खो वहाँ पर और आईटीआई शिमला वुमेन आईटीआई शिमला वहाँ पर माइनस को और एक सफलता मिलती हुई रामपुर को, पहला झटका लगता हुआ मिलाई गई शिमला को और ये मैच कृपया जो टीम मैनेजर आईटीआई चिड़गांव और आईटीआई प्रगति नगर से आए, दूसरा झटका लगता हुआ आईटीआई शिमला को कंफर्मेशन दे, दूसरा खिलाड़ी उनका आउट हो गया है, स्किट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। अच्छा चिड़गांव नहीं है, चिड़गांव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, प्रगति नगर, प्रगति नगर, प्रगति नगर भी स्किट में नहीं है। तो आई थिंक कुल मिला के हमारे पास 8 ही आईटीएस है जो स्किट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 आईटीएस। और जो ये 8 आईटीएस है और खंभे में बिल्कुल तैयार रहिए माइनस को, क्योंकि इस खोखो के मैच के तुरंत बाद हमारा स्किट कंपटीशन शुरू होना। टाइम अप हो चुका है, तो अब जो है वो मैं नाइट गई तो अब जो है वो नाइट गई बैठ गई है और जो आईटीआई रामपुर है वो इनको पकड़ेंगे। खो खो का खेल चला हुआ है, हम भी अब सुबह से कवरेज कर करके थक चुके हैं, अकेले ही शाम के 6:20 का ये समय है, तो काफ़ी ज़्यादा हम भी थक चुके हैं सुबह से लेकर कवरेज कर रहे हैं लगातार इस टूर्नामेंट का।
तो आज का ये जो वो लास्ट मैच है, इसके बाद जो है वो कल्चर एक्टिविटीज़ और स्किट वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। वुमेन आई टी आई शिमला और आई टी आई रामपुर के मध्य ये जो मैच खेला जा रहा है, तो शाम का समय है, बादल भी है यहाँ पर और काफ़ी अंधेरा, अब लाइट भी थोड़ी कम हो रही है और ये खो खो का मैच अब चला हुआ है वहाँ पर माइनस खो, और आप देख रहे हैं कि शिमला आई टी आई वहाँ वुमेन आई टी आई काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई खो खो के मैच में। और ये एक और झटका लगता हुआ रामपुर की टीम को, Thank you.
अब जो है एक राउंड खत्म होने के बाद सेकंड राउंड सेकंड हाफ चेस करती है टीम रॉकी। इस बार देखना होगा जी आउट आपके दोस्तों फिर एक बार। अब मुझे लगता है यहाँ पर जो लड़की है अब नींद लग चुकी है, ठंड लग रही है और माहौल थोड़ा सा बनाना चाहेंगे। एक बार लड़के शोर मचा देंगे जरा, इतने शोर से बात नहीं बनेगी, लड़कियां ज्यादा मचाएगी देखेंगे। लड़कियां एक बार शोर मचा देंगे जरा, सभी लड़कियां ये नहीं बनी बात है ना, जीत गए ना लड़के, सही है होना भी चाहिए। अच्छा रामपुर को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है जरा शोर मचा दे। अच्छा शिमला को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है ये बता दे। ये भाई ये शिमला वाले कुछ ज्यादा फॉर्म में लग रहे हैं, इनसे ऐसा करता हूँ शोर मचाते रहता है इनकी एनर्जी खत्म कर देते हैं। चलिए इस बार फिर से कोशिश जरूर कर रहे हैं, देखना होगा शायद गोलमेट जरूर होगी, थी फिर से मौका दिया। चलिए इस बार रनिंग करते हुए शिमला के खिलाड़ी 10 नंबर जर्सी और इनको आउट करने की कोशिश है। चलिए जी देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ी सी हूटिंग चाहूंगा सभी लोगों से, शोर और हूटिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा माहौल तभी बनेगा, तभी जोश बनेगा और इसके बाद स्किट के परफॉर्मेंस आप लोगों के बीच यहाँ पर होंगे। तो 8 परफॉर्मेंस यहाँ पर होने हैं तो एक अलग मजा यहाँ पर आएगा, उसे लाइव करने की कोशिश जरूर करेंगे हिमाचल टीवी के माध्यम से। आप सभी लोग जुड़े रहे और अपना सपोर्ट देते रहे, यहाँ पर माइनस खो है, माइनस खो को पूरा करना होगा। उसके बाद फिर से 10 नंबर जैसी खिलाड़ी इस बार पकड़े जाएंगे, जी नहीं माइनस को है, जजमेंट है और माइनस को पूरा करना होगा। चलिए जी चलिए 10 नंबर जैसी इस बार घुमाती हुई नजर आ रही, जी नहीं मोमेंट पहले दूसरी ओर हो चुकी थी, ऑफिशियल की जजमेंट दूसरी ओर, फिर से मौका है, फ्री जोन में है और पकड़े जाएंगे, आउट है, बाहर जा चुके हैं, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगले 3 खिलाड़ी काफी जगह खिलाड़ी अभी बचे थे। गुस्सा भी नजर आ रहा है टीम रामपुर के खिलाड़ियों को और आता भी है क्योंकि खेल में सब कुछ जायज है लेकिन ये गुस्सा सिर्फ ग्राउंड तक ही रहना चाहिए। और यहाँ पर माइनस को हो चुका है, माइनस पूरा कीजिए, पहले माइनस को पूरा करना होगा उसके बाद फिर से आप कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर कोशिश जरूर किया, डाइव जरूर किया, जी नहीं टच नहीं है, देखिए नजरें थपथपा सर की यहाँ पर ऑफिशियल है साथ ही में। और इसी के साथ शायद टाइम की हो चुकी है समाप्ति। चलिए तो अब इस मुकाबले का लास्ट जो राउंड है वो शुरू हो चुका है, रामपुर अभी लीड कर रहा है, रामपुर लेके चला है, सिक्योरिटी बुरी है साहब, सिक्योरिटी की टेंशन मत लीजिए क्योंकि पिस्तौल हमारे साथ है। 8 की लीड है, 8 की लीड है उनके पास, बहुत प्यारा बच्चा है और पूरे मजे ले रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची उधर भी है, क्या बात है। और जब ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पर जुड़ते हैं, महिलाएं यहाँ पर जुड़ती है और एक अलग मजा। और मैं कहना चाहूंगा बच्चों और महिलाओं सभी का जुड़ना हमारे बड़े बुजुर्गो का आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद और उन्हीं के चलते मौसम भी साथ दे रहा है इस वक्त। माइनस को पूरा कीजिए और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी इकट्ठे जरूर हैं लेकिन
कोशिश जरूर यहां पर शिमला विमेंस की ओर से आउट करने की कोशिश है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, बट तीन आठ खिलाड़ी आउट कर रहे हैं। मौके का कितना फायदा उठाते हैं। हमारे बीच मेरी आवाज जो आप लोगों तक पहुंच रही है और ये सुंदर सा शहर आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसके लिए निखिल डीजे चेंज का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्होंने बेहतरीन साउंड सिस्टम और बेहतरीन स्टेज यहाँ पर बनाया है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका सहयोग ऐसे ही बनता रहेगा। क्या बात है, एक बार साउंड और टेंट के लिए तालियां और शोर चाहूंगा जरा यहाँ पर। तो ये शाम का टाइम हो चुका है, इसे कहते हैं दोस्ती, सिर्फ लड़कों ने शोर मचाया, लड़कियों ने शोर नहीं मचाया। अगर लड़कियों की बात करूंगा तो अलग से शोर मचाती है। शाम का टाइम एक बार लड़कियां जरा शोर मचा देंगी, जितनी लड़कियां यहाँ पर हैं। लाइट शिमला वाले तो ठंडे हो गए पर, शाम का टाइम आ गया है। दूसरी साइड कर दी थी, इस बार आउट करने की कोशिश है। तीन खिलाड़ी रनिंग कर रहे हैं, रामपुर के चेस कर रहे हैं शिमला विमेंस के खिलाड़ी। रामपुर वालों में एक अलग जोश नजर आ रहा है, तो ये मैच अब रामपुर की तरफ जाता हुआ, क्योंकि रामपुर के साथ मेरा भी आठ खिलाड़ी आउट करने हैं। में बहुत सारे टूर्नामेंट्स में करके आता हूँ और इससे पहले भी, चाहे बॉक्सिंग की बात करें चाहे ऑल इंडिया वॉलीबॉल की बात करें, इससे पहले भी वहां पर जोड़ना हुआ था। रामपुर वालों के लिए एक अलग तैयार है, क्या बात है। यहाँ पर एक भी खिलाड़ी अभी रामपुर का इस राउंड में आउट नहीं हुआ जी, मोमेंट दूसरी साइड माइनस को पूरा करना होगा। इस बार मौका जरूर था लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, काफी तेज चलिए चलिए भारती कर रहा था एक खिलाड़ी को आउट कर दिया। शुरुआत हो गई है, अब सात और खिलाड़ी अभी भी, अगर मैच को टाई करना है तो सात खिलाड़ी और आउट करने पड़ेंगे, नहीं तो शिमला चलिए 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 जी चलिए, इस बार फिर से मौका आउट करने का, अंक लेने का। दो खिलाड़ी अभी भी दौड़ते हुए रामपुर के, कितना समय और ये भी जरूर आपको बताएंगे। शिमला वालों का जबरदस्ती का शोर सुनाई दे रहा है, दो तीन लोगों का शोर सुनाई दे रहा है रामपुर की ओर से। चलिए जी रामपुर वालों को चुप करवा, चलिए रामपुर वाले लड़के जरा एक बार शोर मचा दे, रामपुर वाले ये तो खुद ही थक गए, ये कल के लिए क्या शोर मचाएंगे, लड़के तो खुद ही थक गए। थोड़े से डिस्बैलेंस हुए हैं, लाइन को कट किया है, माइनस खो को पूरा करना होगा। चले जी चले, पांच नंबर जर्सी के खिलाड़ी लगातार भागती हुई नजर आ रही है यहाँ पर शिमला विमेंस को, अभी देख रहे होंगे यहाँ पर जुड़ता है नहीं जुड़ता है। पांच नंबर जर्सी को पकड़ना मुश्किल हो रहा है, लगातार इनके पीछे दौड़ रहे हैं और ये भी आराम से चेन को घुमा रहे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर टैक्टिक्स के साथ, दिमाग के साथ मूव कर रहे हैं और देख रहे हैं कहां से जी यहां पर पकड़े जाएंगे। अभी भी इस ग्रुप का एक खिलाड़ी अभी भी यहां पर मौजूद है, कोशिश शिल्प आउट करने की यहां पर की जा रही है शिमला वुमेन्स। चलिए जी लगता है ये मैच रामपुर ने अपने नाम किया, बहुत बहुत बधाई रामपुर को देना चाहूंगा, रामपुर ने ये मैच, धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। और मैं अमन शर्मा अपनी पूरी विजन हिमाचल की टीम के साथ लेता हूँ अलविदा, और आप सभी के साथ अगर जुड़ना होगा तो जरूर आने वाले टाइम में जरूर जुड़ेंगे।
वही टीग्रामपुर ये मैच जीत चुकी है। यहाँ पर जो मैचेस है बहुत हाई वोल्टेज।